दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब और कहाँ पे हुई थी? आप में से 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली में भारत में रेलवे कब और कहाँ पे शुरू हुई थी। तो आप लोग कहोगे 16 अप्रैल 1953 के दिन मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच में पहली भारतीय रेलवे सर्विस शुरू हुई थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये झूठ है तो आप तो मुझे पागल बोलना शुरू कर दोगे। मुंबई के बोरीबंदर और ठाणे के बीच में जो लाइन शुरू हुई थी वो पहली भारतीय पैसेंजर लाइन थी। एक्चुअली भारत में पहली रेल सर्विस 1837 में मद्रास में, मतलब आज के चेन्नई में शुरू हुई। यह रेल मद्रास के रेड हिल से लेकर चितानरिपेट ब्रिज तक बनाई गई थी। इस रेल का यूज लेटरेट स्टोन नाम के पत्थर को रोड और बिल्डिंग्स को बनाने के काम के लिए लेके जाने के लिए यह ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे ही कामों के लिए हैदराबाद के राजमुंड्री और उत्तर भारत के उर्की शहरों में भी दो और ट्रेन लाइन्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए हमारे भारतीय रेलवे के नए कोचेस और नए इंजिन का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग मद्रास चेन्नई में किया जाता है, जो एक हिस्टोरिक प्लेस भी है। अगर ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।